गाइस वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा क्वेश्चन आंसरिंग का थर्ड पार्ट होने वाला है। तो इसमें भी कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं जो हर फिटनेस फ्रीक, जो हर लोग जो इंटरमीडिएट लेवल पे या जो बिगनर लेवल पे, वो हमेशा इस तरह के बेसिक क्वेश्चन करते हैं। अदर इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, आज उस बेसिक क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू आई गेट अ सिक्स पैक्स। देखो, बिफोर गेटिंग अ सिक्स पैक, पहले आपको ये चीज़ जानना है कि आपका बॉडी स्टेबल वे में होना चाहिए, लाइक आपका सही तरह से प्रॉपर बॉडी एक कंडीशन में होना चाहिए। सेकंड थिंग, सिक्स पैक का बात रहा तो इसके लिए आपको सबसे पहले, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डाइट किस तरह से लेते हो। सिक्स पैक के लिए आपको कंसिस्टेंसी, एप्स का वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है करना। एप्स का बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्कआउट होते हैं, अपर एप्स, लोअर एप्स, तो ये तो आप गूगल पे जाके देख लो। एंड सेकंड थिंग, कि आपको एक प्रॉपर वे में डाइट लेना होगा, स्पेशली जब एप्स कर रहे हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स की परसेंटेज थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, प्रोटीन पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो और आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, दैट्स। एंड अगर ये चीज़ आप प्रॉपर वे में फॉलो कर सकते हो तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारे भाई का, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग डू आई नीड टू डू इंक्रीज मसल मास। सी, बेसिकली आपको मसल मास इंक्रीज करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे तो सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग, कंसेंट्रिक फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी मसल का आप एक्सरसाइज करते हो, तो एक लिमिटेशन जो आपका एक्सरसाइज का होता है उससे आपको इंक्रीज होना होगा, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक फेलियर। दैट मीन्स आपको फेलियर रिपीटेशन लगाना ही पड़ेगा अपने इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, देन ओनली यू विल गेट अ मसल। आपका वो जो एक्स्ट्रा रिपीटेशन जो आपका स्वेटिंग देगा, वही आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा, और वही एक सबसे बेस्ट तरीका है आपका मसल इंक्रीज करने के लिए, अगर आप अपना साइज, अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो। तो आई होप यू गेट द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग डू आई नीड टू डू डू लूज वेट। वेट लूज करने के लिए तो सबसे पहली चीज़ कि आपको कंसिस्टेंसी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आप डाइट कैलोरी के अकॉर्डिंग लोगे। अगर आपका फोकस है कि आपको वेट लॉस करना है तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो दोनों चीज़ पे इफेक्टिवली वर्क करना होगा, क्योंकि सबसे बहुत अच्छा ये मेथड है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के बाद एटलीस्ट 10-15 मिनट्स कार्डियो करो, दैट विल हेल्प यू मोर इन लूजिंग वेट। और आप डाइट एक प्रॉपर वे में लो, ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज तो कर रहे हो बट डाइट में कुछ भी जंक फूड या स्ट्रीट फूड्स वगैरह खा रहे, थोड़ा सा ये सब चीज़ को अवॉइड करो, प्रोटीन पे फोकस करो, गुड कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करो और इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करो, सो ऑब्वियसली यू विल लूज वेट। आई होप यू गेट द आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग डू आई नीड टू डू गेट स्ट्रॉन्गर। गुड क्वेश्चन। सी, बेसिकली स्ट्रॉन्गर बनने के लिए तो आपको पहले माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि हाँ, मैं किसी भी चीज़ के लिए कर रहा हूँ, तो वो आपका माइंडसेट क्या है। एक अपना, आप अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लोगे तो आप इंटेंसिटी वर्कआउट भी उसी इंटेंसिटी के साथ करोगे, मेहनत भी उसी इंटेंसिटी के साथ करोगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करो तो पूरी मेहनत, पूरी डेडिकेशन के साथ करो। इफ़ यू आर गिविंग 1 hour इन द जिम, देन यू हैव टू फोकस 1 hour इन टोटल इन द जिम। आप किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, स्पेशली इन दैट 1 hour। ये अगर आप पूरी तरह से 1 hour फोकस कर सकते हो और फिर जिम से निकलने के बाद वो रियलाइजेशन आपको हो कि नहीं, आई हैव डन समथिंग टुडे, ऑब्वियसली सो वो माइंडसेट कनेक्शन होगा, देन यू विल फील गुड, यू विल फील लाइटर। सो दैट इज द बेस्ट वे टू गेट स्ट्रॉन्ग। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, वेट मिनट, हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प मेंटल हेल्थ, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इस चीज़ को मैं प्रेफरली अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस चीज़ का आंसर दूंगा। सी, मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए। लोग इस चीज़ को अंडररेट करते हैं क्योंकि वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। फिजिकल स्ट्रेंथ से तो आप लोग आपको जज कर लेंगे दैट यू आर थिन, यू आर फैट, वट एवर इट इज, बट मेंटल स्ट्रेंथ बहुत कम लोग, जो इंसान इस चीज़ से लाइक गुजरता है, जो इंसान इस चीज़ को फेस करता है, वही इस चीज़ के बारे में बात करता है। तो फिटनेस एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कहीं ना कहीं तो नहीं बट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा परसेंटेज तक आपका मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जब आप जिम जाते हो, जब आप फिटनेस पे ध्यान देते हो, जब आप अपना बीपी इंक्रीज करते हो, जब आप रनिंग करते हो, आपका हार्ट बीट इंक्रीज होता है, तो यू विल फील लाइटर। आपके अंदर से वो कॉन्फिडेंस, आपके अंदर से वो एक पैशनेट, वो चीज़ आपके मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है एंड दैट विल गेट योर मेंटल हेल्थ मोर स्ट्रॉन्गर। तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव, अगर अपने, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा लास्ट में, अगर कोई इंसान मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल ट्रॉमा से फेस कर रहा, प्रॉब्लम फेस कर रहा, वो जिम चला जाए।
वो एक मंथ जिम करके देखे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका उसका मेंटल स्ट्रेंथ अगर कम नहीं हुआ तो फिर मेरे से आके मिलना। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू गेट रिड ऑफ मेंटल ट्रॉमा इज गोइंग टू द जिम। तो आई होप यू गेट द आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो जो भी भाई का क्वेश्चन था मैंने सब एटलीस्ट अपनी तरफ से ट्राई किया आंसर देने का। सो अगर और भी कोई क्वेश्चन है, और भी आपका कोई भी बेसिक क्वेश्चन है किसी भी तरह रिलेटेड टू फिटनेस, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल गाइज। एंड हाँ, एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा कि आज हमारे भाई अनस का सॉन्ग आ गया है, अनस ऑफिशियल करके, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आप लोग प्लीज़ जाओ देखो सॉन्ग को, सपोर्ट करो, क्योंकि ये भाई का पहला सॉन्ग था। तो हमारा आपका सबका फ़र्ज बनता है कि जितना से जितना ज़्यादा आप प्यार दे सको, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए इंसेंटिव रहेगा आगे और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।